Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. तो इन माई लास्ट वीडियो हमने बात की थी कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं. प्राइमरी कलर्स येलो, ब्लू एंड रेड होते हैं जो किसी भी ह्यू को मिला के नहीं बन सकते. तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं. तो गाइस, सेकेंडरी कलर्स वैसे सबको पता ही होगा, हम स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं. बट मैं बता दूँ, सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कलर्स को मिला के बनते हैं. रेड से येलो को रेड से मिला के, येलो को ब्लू से मिला के, ब्लू को रेड से मिला के, तो ये ऐसे करके हमारे तीन सेकेंडरी कलर्स होते हैं. डेट इज़ ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट. तो आज भी मैं पैटर्न के थ्रू ही दिखाऊंगी आपको ये तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन. और आज भी हम पोस्टर कलर्स ही यूज़ कर रहे हैं. वैसे हम क्या करते हैं, पोस्टर कलर्स को मिक्स करके ये सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं. बट मेरे पास ऑलरेडी ये कलर्स हैं, तीनों कलर्स हैं, ऑरेंज भी है, वायलेट भी है, ग्रीन भी है, तो मैं इन कलर का यूज़ करूँगी. तो अगर आप चाहते भी हो तो मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ कि कैसे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं. जैसे कि येलो और रेड को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है ऑरेंज कलर. तो लिया मैंने थोड़ा सा येलो. और गाइस, अगर आपके पोस्टर कलर्स अगर सूख हैं तो आप इसको ओवरनाइट मतलब पानी डाल के थोड़ा सा रख सकते हैं, इससे आपके कलर्स सही हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कर रखा है. हम इसको अगर हम मिक्स कर देंगे, देखिए ये बन गया हमारा ऑरेंज कलर. तो गाइज, इसी तरह जैसे ये ऑरेंज बन गया है तो इसी तरह आप येलो और ब्लू को मिक्स कर सकते हैं, एंड ब्लू एंड रेड को मिक्स कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि येलो एंड रेड को मिक्स करके बनता है ऑरेंज, येलो एंड ब्लू को मिक्स करके बनता है ग्रीन, एंड रेड एंड ब्लू को मिक्स करके बनता है वायलेट कलर. तो ये तीन होते हैं हमारे सेकेंडरी कलर्स. तो मैं जल्दी से अपना पैटर्न ड्रॉ करती हूँ, फिर हम कलरिंग करेंगे. ये मेरा पैटर्न रेडी हो चुका है, तो बस कलर की बारी है. ये मैंने पेज लिए बनाया और कुछ यहाँ पता नहीं क्या बनाया. तो अब हम कलर सिलेक्शन करते हैं. तो ग्रीन एंड ऑरेंज मैं करने वाली हूँ पेजली में, और बाकी सब में वाइट यूज़ करूँगी. तो ग्रीन आउटर साइड, ऑरेंज इनर साइड. तो चलो पहले हम करते हैं ऑरेंज से स्टार्ट करते हैं. तो ऑरेंज कलर तो हो गया, अब इसके आउटर लाइन पे मैं करने वाली हूँ ग्रीन कलर. तो चलो अब चलते हैं ग्रीन कलर पे. तो गाइस, ग्रीन कलर भी हो चुका है, अब बस रहते ही वायलेट कलर करना. चलो अब वायलेट कलर. फाइनली इट्स डन. ये वैसा तो नहीं बना जैसा मैंने सोचा था, बहुत ख़राब बना है, बिकॉज मेरा ब्रश मेरे पास ज़ीरो नंबर का था, पर ये ज़ीरो नंबर का है नहीं. आई शुड यूज ट्रिपल ज़ीरो. तो सही, और मेरे कलर्स भी बहुत पुराने होंगे शायद इसलिए. तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री या टर्शरी कलर्स क्या होते हैं.